लोगों पर अल्लाह का हक यह है कि जो भी इस्तेदात रखता हो उसके घर का हज करे, और जिसने कुफर और नाफरमानी की रविश इख्तियार की तो अल्लाह सब अहले आलम से बेनियाज है। आले इमरान 97 आयत। इसी तरह एक हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स को किसी बीमारी या वाकई जरूरत या जालिम हुक्मरान ने रोक ना रखा हो और इसके बावजूद वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी बने या नसरानी, हज इस्लाम का पांचवा बुनियादी रुकन है। और आज हम यहाँ पे सवाल नंबर दो भी पढ़ेंगे। सफरे हज के दौरान आलम इस्लाम के इतिहाद की जो रूह नुमाया होती है, मिसालें दें। अपने दिल में उस नक्शे का तसव्वुर तो कीजिए कि बेशुमार कौमों और मुल्कों के लोग हजारों रास्तों से होकर एक मरकज की तरफ चले आ रहे हैं। शक्लें रंग जबानें मुख्तलिफ हैं, मगर मरकज के करीब एक खास हद तक पहुँचते ही सब अपने अपने कौमी लिबास तर कर देते हैं और एक तर्ज का सादा यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, जिसे एहराम कहा जाता है। इसके पहनते ही ऐसा मालूम होने लगता है कि सुल्तान आलम और जमीन और आसमान के मालिक की ये फौज दुनिया के हजारों कौमों से भर्ती होकर आ रही है। एक ही बादशाह की फौज है और सब लोग एक ही बादशाह के दरबार में पेश होने जा रहे हैं। ये यूनिफॉर्म पहने हुए सिपाही जब मिकात एहराम बांधने की मुकर्रर जगह से आगे जाते हैं तो इन सब की जबानों पर एक ही नारा होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, यकीनन तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, नेमत सब तेरे लिए है, सारी बादशाही तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। ये आपको दो सवाल आज पढ़ाएं, ये आपने याद कर लें, अगर कुछ समझ आया तो फीडबैक दे सकते हैं।